भाजपा के नेताओं पर सत्ता का गुरूर इतना छाया हुआ है कि वह आए दिन सार्वजनिक स्थानों पर कुछ भी बनने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के विधायक रामेश्वर शर्मा एक सभा में कांग्रेसियों के घुटने तोड़ देने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रीवा के विधायक केपी त्रिपाठी कांग्रेसियों को जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। इन दोनों नेताओं की बदतमीजी भरे बयान सोशल मीडिया पर लगातार जमकर वायरल हो रहे हैं। भाजपा नेताओं के इन बयानों को सुनकर कांग्रेसी नेताओं का पारा सातवें आसमान पर है, लेकिन वह कुछ करके भी कुछ नहीं कर सकते। साथ ही में मध्य प्रदेश में 15 महीनों की सरकार बनी कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान विधायक लखन घनघोरिया ने भाजपा नेताओं के बेतुके बयानों की निंदा करते हुए कहा है कि लोकतंत्र में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता है। भाजपा के नेताओं को अपने नेताओं की दुर्गति को एक बार देख लेना चाहिए। भाजपा के विधायकों को अपने आकाओं की दुर्गति को एक बार जरूर सबक लेना चाहिए और देख लेना चाहिए। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के दंभ और घमंड की बात है, बड़बोलेपन पे इनके विधायक कुछ भी उलझलूल बोल रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी हों चाहे दीगर कोई विधायक हो, उसको एक चीज़ समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र में अहंकार का कहीं स्थान नहीं होता है। लोकतंत्र में अच्छे अच्छे सम्राट राजा की स्थिति नहीं होती, और इनको अपने नेताओं की दुर्गति से देख सबक ले लेना था। किसान आंदोलन के दरमियान जो जो मोदी जी ने कहा या इनके दीगर जितने नेताओं ने कहा है, आखिर इनकी परिणति क्या हुई? अहिंसक आंदोलन के बलबूते पे किसान अपनी समस्याओं को ले के आंदोलन को लेके सफल हो गए। कहाँ रहा घमंड मोदी जी का, कहाँ रहा सरकार का घमंड? तो लोकतंत्र में कम से कम ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए जो बाद में ये कहा जाए कि थूक के चाटे जैसी स्थिति। घमंड खत्म हो जाता सबका। घमंड मोदी जी का साल भर का खत्म हो गया। उनने जिन जिन को आंदोलनजीवी कहा था, आंदोलन के बलबूते पे देश आज़ाद हुआ, आंदोलन के बलबूते पे देश का रचनात्मक विकास हुआ, और आंदोलन के बलबूते पे मोदी जी का घमंड भी खत्म हुआ, फिर इन विधायकों की विसात क्या है? कम से कम इनको अपने आका की हालात पे चिंतन करना चाहिए कि एक साल के अंदर जमीन दिख गई मोदी जी को। भैया रीवा वाले जो थे उनने भी कुछ ऐसे अब जिस शब्द कहे हैं कि गाड़ दूंगा जहाँ दिखे। बोला ना कि घमंड ना मोदी जी का रहा है, और अनादिकाल से अपन देख ले तो घमंड राजा रावण का नहीं हुआ है, घमंड किसी का नहीं हुआ है। कम से कम सबको मर्यादाओं में और अपने दायरे में के अंदर रह के बात करना चाहिए। वक्त कब किसका आ जाए, कब कैसी परिस्थिति बन जाए, अभी फिलहाल तो ये खुद अपनी नज़रों में गढ़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वाथरे की रिपोर्ट।